नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम विप्रो लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। विप्रो स्टॉक के अंदर काफ़ी दिनों बाद एक उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी दिनों बाद जो है तेज़ी बनाता हुआ नजर आया है। मीन्स यहाँ पे जो रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक काफ़ी दिनों बाद। लास्ट टाइम जब स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिए थे, ए लेवल पे लिए थे, यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक ऊपर गया था 550। मीन्स यहाँ पे तकरीबन आप लोग नज़र डालोगे तो लास्ट मंथ की बात की जाए तो स्टॉक ने तकरीबन यहाँ पे 580 तक तेज़ी बनाई थी, वहाँ से गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। फिर से जो है स्टॉक 500 के नीचे गया था, पर अभी फिर से पुल बैक किया है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं। आईटी सेक्टर काफ़ी रिकवरी में नज़र आ रहा है, आईटी सेक्टर के स्टॉक जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। न्यूज़ भी देखोगे तो देख सकते कि रिसेंटली एशियन इक्विटीज ट्रेडेड ऐप पे देखोगे तो कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ यहाँ पे सामने नज़र नहीं आ रही रिगार्डिंग यहाँ पे विप्रो लिमिटेड स्टॉक। फिर भी स्टॉक की बात की जाए तो वॉल्यूम्स आज जो है स्टॉक के अंदर काफ़ी इंप्रूव होकर आ रहे। नीचे जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है 50 डेज का मूविंग एवरेज, वो एक सपोर्टिव जोन है विप्रो के लिए। यहाँ से देख सकते कि 540 को ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने 540 के करीबन जो है रेजिस्टेंस ले थे, तो वो एक लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे विप्रो लिमिटेड स्टॉक के लिए।